नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी एक्सपर्ट स्टाइलिंग विद केयर शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग, भव्य उद्घाटन भी ब्लॉक पनकी नियर श्री राम एजुकेशन सेंटर कानपुर पनकी बाजार MIG रोड पर हुआ एवं ग्रैंड ओपनिंग भव्य उद्घाटन के मुख्य अतिथि हेयर स्टाइलिंग के स्पेशलिस्ट जावेद हबीब द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ ही मुंबई से आए कानपुर आगमन पर हेयर स्टाइलिंग के स्पेशलिस्ट जावेद हबीब का जोरदार भव्य स्वागत पनकी बी ब्लॉक जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी शोरूम में हुआ। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी शोरूम बी ब्लॉक पनकी कानपुर ग्रेट ओपनिंग भव्य उद्घाटन के मुख्य अतिथि जावेद हबीब ने कई तरह की बाल की कटिंग की स्टाइल बताकर और कई महिलाओं और पुरुषों के बाल काटकर नई महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्य अतिथि जावेद हबीब ने बालों को कैसे सुंदर रखना है, कैसे बालों को झड़ने से रोकना है, बालों में कब तेल लगाना है, बालों में कब शैम्पू का प्रयोग करना है और बालों की सुरक्षा कैसे रखनी है आदि की महत्वपूर्ण जानकारी दी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी शोरूम बी ब्लॉक पनकी MIG रोड नियर श्री राम एजुकेशन सेंटर के प्रोप्राइटर दिनेश यादव ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी शोरूम खोलेंगे। साथ ही जावेद हबीब एंड ब्यूटी बी ब्लॉक पनकी की ग्रैंड ओपनिंग भव्य उद्घाटन में ऋचा यादव, देवेंद्र ठाकुर, रितेश तलवानी व शोरूम का समस्त स्टाफ व क्षेत्र के लोग मौजूद। हम लोग यहाँ पर आज आए हैं कानपुर में, एक जगह है पालकी पंकी और यहाँ हमारी एक नई सालों की ओपनिंग हो रही है और ये हमारी सालों नंबर 25 है कानपुर के अंदर। और टोटल अगर हम लोग नंबर लेंगे यूपी का, हमारा नंबर आता है 150 और एक सालों में अगर हमारे काम करते हैं 10 लोग तो आप सोचिए ना 150 × 10 हमारी कितनी, मतलब इस हमारी कैंची ने कम से कम 1500 लोगों को जॉब दी हुई है। और जावेद हबीब है क्या, इस हमें समझना पड़ेगा। जावेद हबीब सालों ब्रांड नहीं है, जावेद हबीब सालों की एजुकेशन ब्रांड है। तो हमारे कम से कम 70 स्कूल चलते हैं जहां हम लोगों को सिखाते हैं कि बाल काटने की साइंस क्या है। आज तक लोग उसको क्या सोचते थे, बाल काटना आर्ट है। मैं सोचता हूं जितनी इसके अंदर एजुकेशन आती है ना, ये बन जाती है साइंस। तो हमारे 70 स्कूल चलते हैं जहां हम लोग हर साल कम से कम 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं। स्किल इंडिया तो अभी शुरू हुआ है 5-10 साल से, लेकिन हमारी फैमिली स्किल इंडिया का ये जो है ना नाई का प्रोफेशन, हम लोग 30 साल से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये नाई का काम है। मैं बोलता हूं ये नाई का काम नहीं है, मैं कहता हूं हम लोग बालों के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर कैसे बनते हैं, जब इसके अंदर साइंस आ जाती है, जब इसके अंदर ज्ञान आ जाता है वो साइंस बन जाती है। अब डिस्कस करें कि जावेद हबीब ऐसे ग्रो कैसे किया। जावेद हबीब ग्रो किया एजुकेशन बेस के ऊपर। पहले लोग क्या सोचते थे, एक हेयरड्रेसर की डेफिनेशन क्या होती थी, मैं उस फिल्म स्टार के बाल काटता हूं तो मैं बड़ा हूं। मैं कहता हूं नहीं, भारत के अंदर 130 करोड़ लोग की पॉपुलेशन है ना, इसका हर इंसान को यह महसूस होना चाहिए कि मैं स्टार हूं। और उस स्टार का महसूस करेगा जब वो अच्छा दिखेगा। अच्छा कैसे दिखेगा, जब उसके बाल अच्छे होने वाले हैं। और हमारे जो बाल होते हैं ना, हम उसको क्राउन बोलते हैं। मतलब जो हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, सबसे पहले शीशे में जाते हैं और अपने बालों को देखते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा महसूस करते हैं इसका मतलब आपका दिन अच्छा है। और रात को सोने से पहले हम लोग अच्छे सपने लेना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा शीशे में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिन की शुरुआत बाल है, रात की शुरुआत बाल है। इसका मतलब ओनली जावेद हबीब विल वर्क। अभी हमारी जो 900 सालों चल रही हैं, ये तो बहुत छोटा नंबर है। अगर हम लोग साइज लें इस कंट्री का 130 करोड़ का, मतलब जावेद हबीब खुद 10,000 शॉप खोल सकता है। मतलब इसका नंबर इतना बड़ा हो सकता है कि मैकडॉनल्ड का नंबर भी इतना बड़ा नहीं होगा। मतलब हमारे हाथों की पावर, हमारी कंट्री की, हमारी सोसाइटी की पावर और हमारी कंट्री की पावर, ये मेरा एक तरह का धर्म है इन ए वे। अब डिस्कस करते हैं कि बाल टूटते क्यों हैं। बाल टूटते हैं अंधविश्वास, बाल टूटते हैं कि मुझे क्या यूज करना है, बाल टूटते हैं कि मुझे कैसे यूज करना है, ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। हर आदमी क्या देखता है, टीवी का एड देखता है, अच्छी मॉडल वो शैंपू यूज कर लिया। नहीं नहीं, बल्कि ये गलत है। एक अच्छा शैंपू गारंटी नहीं है अच्छे बालों का। इसका आंसर एक सिंपल है, स्वच्छ हेयर। जितना बाल साफ इतना बाल लंबा चलेगा, जितना बाल साफ इतनी रूसी कम होगी, जितना बाल साफ इतनी डैंड्रफ कम होगी, और जितना बाल साफ, बाल टूटने वाला नहीं है। तो जब तक मैं हूं किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। तो प्लीज अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, बालों को रोज शैंपू कीजिए और शैंपू से पहले बालों पर सरसों का तेल लगा लो। तो अगर आप लोग सरसों का तेल लगा लेंगे ना शैंपू से पहले, और कभी रात को तेल मत लगाना, रात को तेल लगाने से बाल ज्यादा टूटते हैं, चंपी करने से बाल ज्यादा टूटते हैं। चंपी करने का एक प्रोसेस है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप लोग हंसेंगे, आपके बाल हंसने वाले हैं, जब तक मैं हूं आपके बाल पक्के हंसने वाले हैं। यस, हमारे पार्टनर भाई दिनेश हैं, हमारे बहुत अच्छे पार्टनर हैं, इन्होंने पहला सालों की, इनफैक्ट ये लोग ये शायद प्लान करेंगे स्कूल खोलने का भी। हमारे यहाँ 3 स्कूल चलते हैं,
अभी हम लोग वी आर लुकिंग फॉर वन मोर अकेडमी इन कानपुर, बिकॉज इतना पोटेंशियल है ना। कोरोना के बाद में तो दुनिया चेंज हो गई है। कोरोना के बाद में पता हर आदमी को क्या चाहिए, हाथों में पावर चाहिए, और सबसे बड़ी हाथों की पावर क्या है, हमारी कैची है। सो दिनेश हैं हमारे साथ, हमारे मास्टर फ्रेंचाइज की टीम है, रितेश है, तो हम लोग फ्रेंचाइजिंग के बेसिस पे काम कर रहे हैं। नहीं, हमारी 25वीं ब्रांच है कानपुर में, हमारी 25वीं ब्रांच है। हम लोग हमारे टोटल यूपी में चलते हैं, 150 सेंटर चलते हैं। तो मेरा वास्ता कानपुर से बहुत पुराना है। मतलब जब मैंने शुरुआत की थी ना, मेरी यहाँ पहली सालों खुली थी स्वरूप नगर के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले। तभी मैंने सोच लिया था कि जितने भी कानपुर वाले हैं ना, सबके बाल अच्छे होने चाहिए, और मैं नहीं चाहता किसी के बाल जाए। देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अच्छे दिखो। कोरोना के बाद में एक ही चीज हम लोगों ने सीखी है, जो लाइफ है हमारे पास बची है ना, हमें उसको अच्छा जीना है, और अच्छा जीने के लिए अच्छा दिखना है, और अच्छे दिखने के लिए बाल आपके अच्छे होने चाहिए। और बाल कैसे अच्छे होंगे सर, बालों को साफ करो, शैम्पू रोज करो। सर कानपुर वालों के लिए दो शब्द बताइए, क्या कुछ है? कानपुर के बारे में क्या बोलूंगा, बड़ी सिटी है, इंडिया की 10वीं सिटी है। मतलब इसका मतलब पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ हंगरी हैं अच्छा दिखने के लिए। लेकिन कानपुर के अंदर, यूपी के अंदर लोग पता क्या सोचते हैं, तेल लगाओ तेल लगाओ तेल लगाओ, बाल बच जाएंगे, जितना तेल लगाओगे इतना बाल चला जाएगा। तो कानपुर वालों के लिए एक ही चीज बोलूंगा, तेल लगाओ, लेकिन तेल लगाने का तरीका सीखो मुझसे, जिसको मैं कहता हूँ एक तरह का SOPs ऑफ हेयर केयर। सर कुछ शब्दों में बालों के लिए अच्छे लगे कुछ बोल दीजिए। मैं तो बोलता एक सिंपल बोलता हूँ, बालों का सर रोमांस करो ना, और रोमांस कब करोगे, जब बाल होते हैं, और बाल कैसे रहने वाले हैं, बालों को रोज धो लो, तो रोमांस करना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी।